श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जन्म के छह प्रकार होते हैं, मतलब जन्म छह तरीके से हो सकते हैं। रज प्रधान मैथुनिक समाज में अब मात्र रज और वीर के मिलन से ही संतान उत्पत्ति की व्यवस्था जीवित है, पर हमारे प्राचीन जीवन शैली में पांच अन्य प्रकार से भी संतान उत्पत्ति का विधान प्रचलित था, किंतु ज्ञान के अभाव में धीरे धीरे विलुप्त हो गया, किंतु इसका वर्णन शास्त्रों में अभी भी मिलता है। इस प्रकार जन्म के संबंध में भारतीय शास्त्रों में छह प्रकार के जन्म पद्धति वर्णित हैं। माता पिता के मैथुन व्यवहार से जो रज वीर का मिलन होता है इसे लौकिक जन्म कहा जाता है, अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि मन की वासना के अनुसार जो जन्म मिलता है यह जन साधारण का जन्म है। दूसरे प्रकार का जन्म संत कृपा से होता है, जैसे किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया, फल दे दिया और उससे गर्व रह गया, तप करें, जप करें, दान करें, अथवा किसी साधु पुरुष के हाथ का वरदान मिल जाए, उस वरदान के फल से जो बच्चा पैदा होता है या जो बच्चा पैदा हो वह जन साधारण के जन्म से कुछ श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरण के लिए भागवत में आता है धुंधुकारी का पिता एक सन्यासी के चरणों में गिरकर संतान प्राप्ति हेतु सन्यासी का फल लाया, सन्यासी ने उसको फल दिया, वो फल उसने अपनी पत्नी को दिया, तो पत्नी ने प्रसूत पीड़ा से आशंकित होकर अपनी बहन से कह दिया कि तेरे उदर में जो बालक है वह मुझे दे देना, यह फल मैं गाय को खिला देती हूं और पति को तेरा बच्चा दिखला दूंगी। ऐसा कहकर उसने वह फल गाय को खिला दिया। उसकी बहन के गर्भ से धुंधुकारी पैदा हुआ तथा संसारी द्वारा पतित फल खाने से गाय ने खाया, तो गाय के उदर से गौकर्ण पैदा हुआ जो भागवत की कथा का एक मुख्य पात्र है। फिर कोई तपस्वी क्रोध में आकर शाप दे दे या आशीर्वाद दे दे, उससे गर्भ ठहर जाए, तो ये तीसरे प्रकार का जन्म है। एक कहानी, एक ऋषि तप कर रहे थे, उनके आश्रम के पास कुछ लड़कियां गौर इमली खाने के लिए आती थी। अब लड़कियां स्वभाव से ही चंचल होती है, तो ऋषि बड़े परेशान रहते थे उनसे। तो पहले उन्होंने लड़कियों को वार्निंग दिया कि देखो अगर तुम लोग दोबारा यहां पे आए तो तुम लोग गर्भवती हो जाओगी, प्रेग्नेंट हो जाओगी। लड़कियां बोली ऐसा भी कुछ होता है क्या? अब लड़कियां तो चंचल प्रवृत्ति की होती हैं, फिर भी बाकी लड़कियां उनके आश्रम के आसपास नजर नहीं आए, पर उसमें एक लड़की जो बहुत चंचल थी वो चुपचाप अंदर चली गई और ऋषि की नजर उस पर पड़ी। वो लड़की गर्भवती हो गई क्योंकि उसे ऋषि का शाप था, क्योंकि ऋषि का शाप टाला नहीं जा सकता है, चंद्रमा को एक सेकंड के लिए रोका जा सकता है पर ऋषि के शाप या वरदान को कभी कोई नहीं रोक सकता है, वो होना ही होना है। फिर दृष्टि से भी जन्म होता है, यह चौथे प्रकार का जन्म है। जैसे वेद व्यास जी ने दृष्टि डाली और रानी और दासी गर्भवती हो गई, जिस रानी ने आंखें बंद की उसे धृतराष्ट्र पैदा हुए, जो शर्म से पीली हो गई उसने पांडु को जन्म दिया हुआ, एक रानी ने संकोचवश दासी को भेजा तो दासी संयमी गुणवान और श्रद्धा भक्ति से संपन्न थी, तो उसके कोख से विदुर जैसे महापुरुष पैदा हुए। पांचवें प्रकार का जन्म है कारक पुरुष का जन्म। जब समाज को नई दिशा देने के लिए अलौकिक रीति से कोई जन्म लेता है तो हम कारक पुरुष कहते हैं, जैसे कबीर जी। कबीर जी किसके गर्भ से पैदा हुए ये पता नहीं। नामदेव का जन्म इसी तरह का था। नामदेव की मां शादी के बाद या शादी करते विधवा हो गई, पति से उसे मिला ही नहीं, वो मायके आ गई। उसके पिता ने कहा कि तेरा संसारी पति तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब तेरा पति तो परमात्मा ही है, तुझे जो चाहिए वह तो उसी से मांगा कर, उसी का ध्यान चिंतन किया कर, तेरे माता पिता सखा स्वामी सब कुछ वही है। उस महिला को एक रात्रि में पति विहार की इच्छा हो गई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान तुम ही मेरे पति हो और आज मैं पति का सुख लेना चाहती हूं। ऐसी प्रार्थना करते करते वो हंसती रोती प्रगाढ़ निंद्रा में चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी दिव्य पुरुष के साथ रमण कर रही है। उसके बाद समय पाकर उसने जिस बालक को जन्म दिया वही आगे चलकर संत नामदेव हुए। फिर जन्म की तिथि, जन्म की अंतिम विधि है अवतार। श्री कृष्ण का जन्म नहीं अवतार है। अवतार व जन्म में काफी अंतर होता है। अवतरती इति अवतारम, अर्थात जो अवतरण करे ऊपर से नीचे जो आवे उसका नाम अवतार है। सच पूछो तो तुम्हारा भी कभी अवतार था,
किंतु अब नहीं रहा। तुम तो विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा थे सदियों पहले और अवतरण भी कर चुके थे, लेकिन इस मोह माया में इतने रम गए कि खुद को जीव मान लिया, देह मान लिया। तुम्हें अपने खबर नहीं, इसलिए तुम अवतार होते हुए भी अवतार नहीं हो। श्री कृष्ण तुम जैसे अवतार नहीं है, उन्हें तो अपने शुद्ध स्वरूप की पूरी खबर है और श्री कृष्ण अवतरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण का अवतार जब होता है तब पूरी गड़बड़ी में होता है, पूरी मान्यताओं को छिन्न भिन्न करने के लिए होता है। जब श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तब समाज में भौतिक बात फैला हुआ था, चारों ओर लोग लड़ रहे थे, एक दूसरे को पालने पोसने में लगे हुए थे, धनवानों और सतावानों का बोला बोला था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने आकर धर्म का मार्ग दिखलाया। तो धन्यवाद, मैंने आपको 6 प्रकार के जन्म बताए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।